Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about transformation of sentences. In previous classes we have learned what is a sentence, what are its kinds and parts of sentence. In this video we shall learn about transformation of sentence. What is transformation? Transformation hai kya? Transformation is the conversion of sentence from one kind to another without changing the actual meaning of the sentence. Transformation hai kya ki transformation, conversion of sentences into another conversion of a sentence into another kind without changing the actual meaning of that sentence. अब यहां पर क्या है, conversion of a sentence into another kind without changing the actual meaning of that sentence. Sentence के उस meaning को बिना change किए उसके एक form को दूसरे में change कर देना. अब kind हमें बात आती है कि kinds of sentence क्या है, तो sentence हम आपको बता चुके हैं कि different kinds के होते हैं. mainly assertive sentence, interrogative sentence, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये मेन सेंटेंस होते हैं. तो जो हमारा कन्वर्जन है मेनली, वो हमारा कन्वर्जन होता है असर्टिव से असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव से निगेटिव में. अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका निगेटिव में कन्वर्ट करना, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना, अफर्मेटिव को एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करना, निगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना, और फिर इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करना, एक्सक्लामेटरी को एसर्टिव में कन्वर्ट करना. तो मेनली हमारे ये इसमें एग्जांपल्स आते हैं कि हमें किसको किस में कन्वर्जन करना होता है. तो हम एसर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, एसर्टिव, तो एसर्टिव को हमें चेंज करना होता है, या तो फिर एसर्टिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, दो तरह के होते हैं. अगर हम कहें कि हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जैसे ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ ब्रेव मैन, यहां हमने जो सेंटेंस लिखा है ये देखो अफर्मेटिव नेचर का है. एसर्टिव में ये हमारा अफर्मेटिव नेचर का, अफर्मेटिव नेचर मीन्स जिसमें नेगेटिव वर्ड न आते हो. अब अगर हम इसको कहें ही इज अ ब्रेव मैन और इसको अगर हम जनरली नेगेटिव में चेंज करें, तो इसका जो मीनिंग होगा, यह नेगेटिव में अगर चेंज करें तो ही इज नॉट अ ब्रेव मैन. अगर हमें इसको नेगेटिव में करना है तो जनरली क्या होगा, ही इज नॉट अ ब्रेव मैन. लेकिन ही इज अ ब्रेव मैन इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है और ही इज नॉट अ ब्रेव मैन इसका जो मीनिंग है, ये दोनों कन्वर्ट हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, दोनों का मीनिंग बदल जा रहा है. इसलिए यह एक तरह का प्रॉपर कन्वर्जन नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का होता है कि ही इज अ ब्रेव मैन, वह ब्रेव मैन है, इसको इस तरह से निगेटिव में हम चेंज करें कि यह इसका मीनिंग जो है वह चेंज ना हो. तो इसको अगर हम कहें निगेटिव में, अगर हमें इसको चेंज करना है, तो ही इज नॉट अ He is not a cowardice. यानी वह कायर नहीं है, या फिर इसको हम दूसरे वर्ड में लिख सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं, ही इज नॉट विदाउट करेज. तो इस तरह से यह हमारा क्या है, कन्वर्जन होगा निगेटिव में. अब देख लो निगेटिव में जो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है वह दो तरह का है, नॉट वर्ड निगेटिव यूज हुआ लेकिन मीनिंग क्या है, सेम है, कि वह ब्रेव मैन है
दूसरे में कहा जा रहा है कि वह कायर नहीं है, या इसमें कहा जा रहा है कि वह बिना साहस का नहीं है, यानी बहादुर है। तो इस तरह से हम जब इसको चेंज कर रहे हैं तो हमारी मीनिंग कैसे कि हम अफर्मेटिव को चेंज कर रहे हैं निगेटिव में, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है लेकिन मीनिंग हमारा चेंज नहीं हो रहा है। यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह से जो हमारे सेंटेंस के यूजेस हैं इसमें हम, और अगर जो हम इंट्रोगेटिव की बात करें इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हमें कन्वर्ट करना है, अब जैसे एक सेंटेंस यहां पर लिखें, कुड द डे गेट एनी बेटर, तो ये ध्यान रखें यहां हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया लेकिन हम यहां इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में चेंज करेंगे। एसर्टिव में चेंज करने का सेंस क्या है कि वह अफर्मेटिव या नेगेटिव में, तो ये ध्यान रखें कि जब हमें चेंज करना होता है तो उस सिचुएशन में हम चेंज जो करते हैं वह इंट्रोगेटिव को हम निगेटिव में चेंज करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उसको हम किस में चेंज करेंगे, निगेटिव में, वह भी एक एसर्टिव का ही काइंड है लेकिन इंट्रोगेटिव को हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। कुड द डे गेट एनी बेटर, तो यहां पर इसका जब हम एसर्टिव में चेंज करें इसको, तो एसर्टिव में होगा द डे कुड नॉट गेट एनी बेटर। अब यहां से देखो, कुड द डे गेट एनी बेटर, क्या डे और बेटर हो सका, तो द डे कुड नॉट गेट एनी बेटर, डे और ज्यादा बेटर नहीं हो सका। तो इट मींस क्या है, इंट्रोगेटिव के यहां एसर्टिव में मीनिंग इन सबों के क्या है, सेम आ रहे हैं, इसलिए इस तरह के यूजेस क्या है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में। और यहां हमने आपको बताया एसर्टिव का अफर्मेटिव से निगेटिव में, या अगर इसको हम ऐसे चेंज करें ही इज नॉट अ कवर्डिस तो इसका मतलब हो जाएगा ही इज अ ब्रेव मैन, ऐसे भी चेंज करेंगे। अगर हम इस एसर्टिव को इंट्रोगेटिव में करें द डे कुड नॉट गेट एनी बेटर तो इसी का अपोजिट आ जाएगा कुड द डे गेट एनी बेटर। तो यहां पे एक दूसरे को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने आपको बताया किस तरह से इसको चेंजेस हम कर सकते हैं। अब लाइक अगर हम ये कहें कि जो हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, नो वन कैन सरपास हिज ओरेटरी स्किल्स, अब यहां पे ये देखो एसर्टिव सेंटेंस है, क्या है एसर्टिव सेंटेंस है, अब इस एसर्टिव सेंटेंस को हम जो है चेंज करेंगे दो अलग अलग तरीके से, कैसे, अब ये है कि यहां नो वन, यानी नो वन एसर्टिव में क्या है नेगेटिव टाइप्स है, तो अब इसमें अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें तो ये होगा कैन एनी वन सरपास हिज ओरेटरी स्किल्स। ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में हुआ, और यहां पे हमारा एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में, यह हमारा क्या है एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में जो हमने यह क्या किया कन्वर्जन किया है। तो एक हमारा यहाँ पे क्या है, यह मेनली हमारा है सेंटेंस, ये सेंटेंस है हमारा, और यहाँ पे इसको हमने कैसे चेंज किया है, तो यानी यहाँ इंट्रोगेटिव से एसर्टिव और ये एसर्टिव से हमारा किस में चेंज हुआ इंट्रोगेटिव में। तो इस तरह से हमने आपको एसर्टिव के अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज करना बताया, इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में चेंज करना और एसर्टिव को फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करना बताया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे एसर्टिव को एक्सक्लामेटरी में और एक्सक्लामेटरी को कैसे एसर्टिव में चेंज कर पाएंगे। एसर्टिव सेंटेंस में और यहां पे हम चेंज कर रहे हैं इसको एक्सक्लामेटरी में, एक्सक्लामेटरी में
अब यहां से देखो, सी गेव एन इंटरेस्टिंग स्पीच, यहां पे जो सेंटेंस लिखा गया है सी गेव एन इंटरेस्टिंग स्पीच, तो इसका हमें जो चेंज करना है व्हाट एन, अब इसको देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हमारे जो सडन फीलिंग या इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं और वह इंड होते हैं किसमें, एक्सक्लामेशन मार्क्स पे, तो हम इसको इस तरह से चेंज करें कि एक्सक्लामेटरी बन जाए। और बताया हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो बिगिन होंगे वह व्हाट है, हाउ से, या फिर इंटरजेक्शन वर्ड आएंगे, तो यहाँ इंटरजेक्शन वर्ड पे हम इसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। लाइक जैसे हम ये कहें वाओ सी गेव एन इंटरेस्टिंग स्पीच, यह हो गया जिसमें हमने कन्वर्ट एक इंटरजेक्शन वर्ड यूज किया, या दूसरा हम जो चेंज करें व्हाट है या हाउ से, तो हो जाएगा यहां पे व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्पीच सी गे। तो यह इस तरह से हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव से एक्सक्लामेटरी में चेंज हो गया, जो कि यहाँ पे क्या होगा व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्पीच सी गेव। अब इसी तरह से हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में कैसे चेंज करें, तो यहाँ एक्सक्लामेटरी को जब हम एसर्टिव में चेंज करेंगे, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर हम लिखें तो यहाँ पे How beautiful painting is, यहां पे यह देखो हमारा क्या है, How beautiful painting is, ये हमारा जो है कि exclamatory sentence है, how से begin हुआ, और इसको अगर हम assertive में change करें तो assertive में अगर हम change करेंगे तो ये हो जाएगा the painting is very beautiful। पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। ये ध्यान रखें जब कभी भी व्हाट या हाउ से बिगिन होते हैं तो इसके चेंज करने के थोड़े रूल्स हैं। तो जैसे हाउ को यहां पर हमने चेंज किया हाउ ब्यूटीफुल के बाद, यहां पे क्या हाउ के बाद ब्यूटीफुल यह एडजेक्टिव है इसके बाद, तो यहां हाउ चेंज हो गया वेरी में। व्हाट यहां एन इंटरेस्टिंग है तो यह क्या हो जाएगा ग्रेट होता है, या फिर नहीं भी रहता जैसे सी गेव एन इंटरेस्टिंग स्पीच, या व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्पीच सी गेव। तो इस तरह से इसके क्या है चेंजेस जो होते हैं इसमें आते रहते हैं। अब हम जो है कि ये हमने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हैं, तो ये ध्यान रखें एक जो रूल्स हैं कैसे इसको हमें चेंज करना है, ये है कि एसर्टिव सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसमें हम एसर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और निगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कि जो एक्चुअल मीनिंग है सेंटेंस का वह चेंज न हो। जैसे सी इज ब्यूटिफुल गर्ल, अब यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव में चेंज करें सी इज नॉट एन अगली गर्ल, तो यहाँ पे मीन्स क्या दोनों का सेम है। इस तरह से इसमें हम अगर करें इंट्रोगेटिव को हमने बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कुड द डे गेट एनी बेटर, तो यहाँ पे क्या चेंज किया हमने द डे कुड नॉट गेट एनी बेटर। दूसरा हमने बताया नो वन कैन सरपास इज ओरेटरी स्किल, तो इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा कि कैन एनी वन सरपास हिज ओरेटरी स्किल्स। और यहाँ पे हमने आपको एसर्टिव से एक्सक्लामेटरी और एक्सक्लामेटरी से एसर्टिव में कन्वर्ट करना बताया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जो है कि इसको बुक के हेल्प से आप स्टडी करेंगे, कोई कभी कन्फ्यूजन होगी तो उसको आप जो है कि व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट के थ्रू आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइजेस के बारे में, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।